शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों आर्मी इंटेलिजेंस थाने की आर्मी का खुफिया विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के कोदरिया और तेलीखाड़ा से कुछ दिन पहले आर्मी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में आर्मी की शराब जब्त की थी और पुलिस को सौंपी थी। वही सोमवार को हुई कोतवाली चौक पर पूरी घटना को उजागर करने का योगदान भी आर्मी की खुफिया एजेंसी का था। आर्मी इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी आर्मी क्षेत्र के माल रोड से ही इन दोनों चोरों का पीछा कर रहे थे, क्योंकि आर्मी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने पहले ही चोरल निवासी लोकेश पिता मदनलाल और अर्जुन भूरिया की कमर में कट्टा रखा हुआ देख लिया था। विभाग के अधिकारियों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि यह दोनों युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। जब इन युवकों का पीछा किया तो दोनों चोरों ने कोतवाली चौक पर ही घटना को अंजाम दे दिया। घटना देख आर्मी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने तुरंत दोनों युवकों को धर दबोचा और सबसे पहले उनकी कमर से कट्टा निकाल साइड में फेंक दिया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई, वरना यह दोनों युवक नशे की हालत में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देते। सोमवार शाम आर्मी क्षेत्र की एक छात्रा कॉलेज से अपने घर लौट रही थी, तभी यह दोनों चोर छात्रा के पास आते हैं और उसका मोबाइल लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुफिया विभाग के अधिकारियों की सूझबूझ के चलते वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। शहर में इन दिनों महू पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। फोन लगा तेरे पापा को, अरे अभी रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ दो मिनट रुक जाओ, शांति हो जाएगा, खराब रह जाएगा। गाड़ी का नंबर क्यों निकालोगे? मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, पीछे से मोबाइल दे दो मेरे। एक मिनट सर। अरे महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट।